हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आप सभी का विद्यामेत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डायनेमिक्स के अंदर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर है हमारा कांस्टेंट मोशन। और इससे पहले कि जो भी वीडियोज है डायनेमिक्स की, वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैकेनिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट लिंक डाल रखा है, जब आप उस पर क्लिक करिएगा तो उसके अंदर अब तक के जितने भी वीडियोज हैं डायनेमिक्स के, वो सारे वीडियोज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करिए, तो जैसा कि मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स, तो मैं डायनेमिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। और डायनेमिक्स के अंदर अब तक मैंने जितना चैप्टर पढ़ा रखा है, चैप्टर के अंदर जितना टॉपिक पढ़ा रखा है, उस हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमने डिस्कस कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। और अलग से भी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कांस्टेंट मोशन पर। और इसके अंदर हमें दो टॉपिक पढ़ना है, सर्कुलर एंड हार्मोनिक मोशन का। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट मोशन क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इफ़ अ पार्टिकल इज कैपेबल टू मूव अलोंग अ कर्व और सरफेस बाय एक्सटर्नल फोर्सेस देन द मोशन इज कॉल्ड कांस्टेंट मोशन। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि कोई एक पार्टिकल किसी कर्व या सरफेस पर मूव कर सकता है, कैसे मूव करेगा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। ओके, तो यदि कोई पार्टिकल किसी कर्व या सरफेस पर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा मोशन कर रहा हो, तो ऐसे मोशन को हम कांस्टेंट मोशन कहेंगे। यानी कि कोई एक पार्टिकल है जो किसी कर्व या सरफेस पर मूव कर सकता है, लेकिन उसके पास उसका अपना फोर्स नहीं है, तो इसलिए अगर हम उस पार्टिकल को एक्सटर्नल फोर्स देकर उस कर्व या सरफेस पर मूव कराएं, तो इस तरह के पार्टिकल के मोशन को हम कांस्टेंट मोशन कहेंगे। ओके, तो इसके अंदर जो हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, और वो क्या है कि मोशन ऑन अ स्मूथ कर्व इन अ वर्टिकल प्लेन। यानी कि कोई एक वर्टिकल प्लेन है और उस प्लेन में कोई एक कर्व है और उस कर्व पे पार्टिकल मोशन कर रहा है, और उसके मोशन पर हमें डिस्कस करना है। वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये बोर्ड हो गया, बोर्ड हमारा क्या है कि एक वर्टिकल प्लेन है, और इस वर्टिकल प्लेन में क्या है कि कोई एक कर्व है और उसी कर्व पे पार्टिकल मोशन कर रहा। जैसे कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये एक कर्व, और इसी कर्व पार्टिकल मोशन कर रहा है। ओके, मान लेते हैं कि ये कर्व का फिक्स्ड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ए एक्स वन कामा वाई वन, और एम मास का कोई पार्टिकल है यू वेलोसिटी से मोशन करना शुरू करता है। ओके, और टी टाइम बाद हम मान लेते हैं कि पार्टिकल इस पॉइंट पी पे पहुंच जाता है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई। ओके, और यहाँ पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो भी है, यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क है, आर्क लेंथ हम उसे एस मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब कोई पार्टिकल एक कर्व पे मूव करेगा तो उसकी मोशन दो लाइन के अलोंग होगी, एक टेंजेंट लाइन के अलोंग और दूसरा नॉर्मल लाइन के अलोंग। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि टेंजेंट के अलोंग मोशन की इक्वेशन क्या होगी और नॉर्मल के अलोंग मोशन की इक्वेशन क्या होगी, यही दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुछ भी हमने यहाँ पे बताया वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट द पार्टिकल ऑफ मास एम बी प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी यू फ्रॉम द पॉइंट ए एक्स वन कामा वाई वन, लेट द पी एक्स कामा वाई बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी वेयर इट्स वेलोसिटी भी, राइट, लेट द आर्क ए पी इक्वल एस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पी बी रू, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द टेंजेंट पी विल बी, राइट, ये हमें लिखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि इस पी पॉइंट पर जो यहाँ पे मोशन होगी वो दो लाइन के अलोंग होगी, एक टेंजेंट लाइन के अलोंग और दूसरा नॉर्मल के अलोंग। ओके, तो इस पी पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग फोर्स क्या होगा ये हमें यहाँ पे पहले निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल इस कर्व पे मोशन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा मोशन कर रहा है। ओके, पार्टिकल के पास कोई अपना फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट के अलोंग इस पी पॉइंट पे फोर्स क्या होगा,
तो हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ इक्वल टू एम ए, और एफ यहाँ पे एम ए, ए कितना हो जाएगा भी डी भी बाई डी एस, राइट। यानी पी पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग जो फोर्स होगा हमारा, जैसे कि ये एंगल हम साई मान लेते हैं और ये टेंजेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये फोर्स हमारा, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा एम भी डी भी बाई डी एस, राइट। जरा मैं चेक कर लूँ दिख रहा है कि नहीं, कट तो नहीं रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कट रहा है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ओके, कुछ ऐसा हो गया, आप समझ लीजिएगा। तो टेंजेंट के अलोंग इस पी पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा एम भी डी भी बाई डी एस, ओके। इसके अलावा दो और फोर्स इस पार्टिकल पे एक्ट करेंगे, वर्क करेंगे, और वो क्या क्या होगा समझिएगा। एक तो होगा रिएक्शन फोर्स जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लगेगा, जिसको हम आर ले लेते हैं, और दूसरा फोर्स क्या होगा, वो होगा सेंट्रिपिटल फोर्स, ध्यान में रखिएगा, जो इस कर्व के सेंटर की ओर लगेगा, ओके। ये क्या होगा सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसको हम सी पी लिख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या एम वी स्क्वायर बाई आर लिखें, नहीं, हम रो लिखेंगे। जब पार्टिकल एक सरफेस पे मोशन करता है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आपको पता होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल क्या है कि एक कर्व पे मोशन कर रहा है, एक कर्व पे मूव कर रहा, तो यहाँ पे जो सेंटर की ओर जो हमारा फोर्स लगेगा वो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, और यहाँ पे हम एम वी स्क्वायर बाई रो लेते हैं, ओके। और यहाँ पे पार्टिकल का मास एम है तो उसका वेट किधर वर्क करेगा, ये नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा, और ये कितना हो जाएगा एम जी, ओके, कुछ इस तरीके से, ओके। इतना अगर आपने समझ लिया हुआ है तो आप डायरेक्ट जो है कि मोशन की, टेंजेंट के अलोंग मोशन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए कैसे हम लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग टेंजेंट लिखना है, जैसा कि हमने क्लीन कर दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा जगह भी चाहिए था इसीलिए मैंने लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम एक काम और करते हैं कि ये जो एम जी है इसको भी हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, ओके। तो अगर ये एंगल साई है तो ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी साई होगा, और इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी कॉस साई, ओके, ये हो जाएगा एम जी कॉस साई, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इधर वाला ये कितना हो जाएगा एम जी साइन साई, ओके, ये एम जी साइन साई है। चलिए अब यहाँ पे आप समझिएगा, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग टेंजेंट ये चीज़ लिखना है, तो आप देख सकते हैं कि एक फोर्स इधर है और दूसरा फोर्स इधर है, राइट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे एम भी डी भी बाई डी एस, ओके। और ये कितना हो जाएगा, माइनस में हम कर लेते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स वर्क कर रहे हैं, और ये कितना आ जाएगा एम जी, सॉरी, ये हो गया एम जी साइन साइन, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि आपको पता है कि टेन साई इक्वल क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे होता है, तो टेन साई को हम लिख सकते हैं साइन साई बाई कॉस साई, और यहाँ पे साइन साई को लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एस बाई डी एक्स बाई डी एस, ओके। तो आप देख सकते हैं क्योंकि डी एस से डी एस अगर आप कैंसिल करेंगे तो फिर से डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन साई के जगह पे हम यूज करेंगे डी वाई बाई डी एस, और कास साई के जगह पे हम यूज करेंगे क्या डी एक्स बाई डी एस, ओके। तो यहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं एम से एम ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू माइनस जी, और साइन साई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एस, दोनों तरफ से डी एस हट गया, कैंसिल हो गया, तो डी वी बाई, सॉरी, डी वी इक्वल टू माइनस जी डी वाई, ओके। कुछ इस तरह का हमें एक रिजल्ट मिल गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल के अलोंग हम जो है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं,
राइट। नाउ क्या लिख लेते हैं, सो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एलोंग नॉर्मल, राइट। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, आर और सेंटीपिटल फोर्स यानी रिएक्शन फोर्स, और ये सेंटीपिटल फोर्स और दूसरा एम जी का साइन नीचे। तो टोटल आप लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई रो, और ये हो जाएगा कितना, आर माइनस एम जी कॉस साइन। ओके, ये फोर्स हमारा हो गया किसके अलोंग, इसके अलोंग, राइट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, रिएक्शन के अलोंग, राइट, कुछ ऐसा यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम एक काम करते हैं, फिर से इक्वेशन वन को यूज करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास माइनस जी वाई, एक कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं सी वन। ओके, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। हम बात करते हैं इनिशियल कंडीशन में, राइट, यानी एट पॉइंट ए पर ए पॉइंट पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ए पॉइंट पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं भी इक्वल टू कितना हो गया है यू, शुरुआत में हम इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हमने यू ले रखा था, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया था वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई इक्वल टू वाई वन। ओके, इन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन जो है कि थ्री में पुट कर देते हैं, तो आप समझ लीजिएगा। तो भी के जगह पे कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस जी वाई वन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सी वन। तो यहाँ से हम इसको इधर लाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास यू स्क्वायर बाई टू प्लस जी वाई वन इक्वल टू सी वन। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सी वन की वैल्यू जो है कि इस इक्वेशन थ्री में पुट कर देते हैं। सी वन की वैल्यू हम इक्वेशन थ्री में पुट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी वन इन इक्वेशन थ्री, राइट, हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। तो सी वन की वैल्यू जब हम इक्वेशन थ्री में रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल माइनस जी वाई प्लस सी वन की जगह पर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू प्लस जी वाई वन। इसको हम इधर लाते हैं ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, और इन दोनों में हम क्या है कि y है ये y1 है, तो हम इन दोनों में क्या करते हैं g कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा y माइनस वाई वन, कुछ ऐसा रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए एक काम और कर रहे हैं कि दोनों तरफ हम m का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा नाउ मल्टीप्लाई आप लिख लीजिएगा, m का हम मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा m वी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यानी 1 बाई टू एम वी स्क्वायर माइनस 1 बाई टू एम यू स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस एम जी वाई माइनस वाई वन। एक स्टेप और हम यहाँ पे बढ़ जाते हैं एम वी स्क्वायर माइनस 1 बाई टू एम यू स्क्वायर इक्वल माइनस एम जी वाई माइनस वाई वन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाई वन है, जब ऐसे पार्टिकल इधर मोशन करते हुए ऐसे जा रहा है, राइट, और यहाँ पे क्या है y1, तो y माइनस वाई वन एक्चुअली ये क्या बता रहा है, ये बता रहा कि ऐसे पार्टिकल कितना ऊपर जा रहा है, राइट, तो इसको हम क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं। ओके, तो इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर फोर, और यहाँ पे h क्या है, जैसा कि मैंने बताया वेयर h इक्वल टू y माइनस वाई वन, ये क्या है, दिस इज द वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट ऑफ p एबव a, राइट, एबव a। ओके, और ये जो इक्वेशन है इक्वेशन फोर यहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी है, राइट, आप लिख सकते हैं विच इज
एनर्जी विच इज प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, विच इज प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनर्जी, सच दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, राइट। सच दैट हम यहाँ पे लिख देते हैं द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, राइट। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एनर्जी इक्वेशन कहा जाएगा, राइट। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। क्या मैं लिख देता हूँ, दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, एनर्जी। ओके, अच्छा थोड़ा मैं राइटिंग सही नहीं है, बट यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि ये हो गया हमारा टेंजेंट के अलोंग मोशन की इक्वेशन, ओके, कुछ इस तरीके से। और इसे क्या कहा जाएगा, इक्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, ये ऊर्जा का समीकरण है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ। अब जैसा कि आपको पता है कि जब पार्टिकल जो है कि अप ऊपर की ओर जा रहा है तो वहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा, यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू जी एच। और जब पार्टिकल नीचे की ओर आएगा तो वहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। यहाँ पे हम लिख देते हैं, नाउ वी नो दैट फॉर अपवर्ड प्रोजेक्शन हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। एंड फॉर डाउनवर्ड प्रोजेक्शन क्या हमारे पास इक्वेशन बनेगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, राइट। अगर हम ये इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी, यानी रिएक्शन फोर्स मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नो पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन टू, इस इक्वेशन में टू, वी गेट द वैल्यू ऑफ आर, हमें आर का क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पार्टिकल कब कर्व को छोड़ेगा, जब वहाँ पे आर की वैल्यू जीरो होगी, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पार्टिकल विल लीव द कॉन्टैक्ट ऑफ द कर्व, द पार्टिकल विल लीव द कॉन्टैक्ट ऑफ द कर्व, कॉन्टैक्ट ऑफ द कर्व when r equal to 0। अच्छा, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके, दिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर, जैसा कि हम जानते हैं कि जब पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा तो ऐसी स्थिति में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच ऐसा बनेगा। अगर हम इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें, राइट, तो हमें सीधे आर की वैल्यू मिल जाती है। तो और यहाँ पे क्या होगा कि पार्टिकल विल लीव द कॉन्टैक्ट ऑफ द कर्व, यानी पार्टिकल जो है वो कर्व को छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, जब आर की वैल्यू वहाँ पे जीरो होगी, राइट। तो ये कुछ इस तरह से जो है कि हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इस तरह के या इस टॉपिक से बेस्ड जो है कि कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।